समाचार कक्ष से इस मंच पर पधारने वाले हैं आज की इस गरिमामय कार्यक्रम के चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि परम सम्मानी पद्मश्री हमारे कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी और आज की इस गरिमामय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे चेयरमैन रिस्पेक्टेड अनुराग शुक्ला जी। छत्तीसगढ़ महतारी के दुलौरीन बेटी बिलासा के माथा में चमकते हुए बिंदिया की तरह मेरा विप्र महाविद्यालय के प्रांगण आयोजन के मुख्य अतिथि हमारे वरिष्ठ साहित्यकार स्वनाम धन्य कवि पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ख्याति प्राप्त सहज सरल हास्य व्यंग में अपने लेखनी चलाने वाले परम आदरणीय पद्मश्री से विभूषित सम्माननीय डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी प्राध्यापक थे और हमारे सभी प्राध्यापक गण के चरणों में नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। महाविद्यालय में हम यह निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम एक नई ऊंचाइयों की ओर संस्था को ले जाएं। निरंतर यह प्रयास है कि नेक के बाद नेक में महाविद्यालय को ए ग्रेड मिलने के बाद जो शिक्षण की जो व्यवस्था है जो गुणवत्ता है उसे और उच्च स्तर पर ले जाया जाए। महाविद्यालय नगर में चार विश्वविद्यालयों के बीच और एक बड़े महाविद्यालय के बीच अपना एक विशिष्ट स्थान बनाने में सफल रहा है महाविद्यालय। मैं तो ये सोचते रहे कि मोर नंबर लगी ही कि नहीं लगी कवर के प्राचार्य महोदय के बड़ा सारगर्भित भाषण और प्राध्यापक मन संग ये तकलीफ है कि उन 40 मिनट के पीरियड लेते हैं उनका आदत परे रही थी ओकर से कम में नहीं बैठे। बहुत बढ़िया बोलीस, बहुत ज्ञान के बाद बोलीस। जब ये कॉलेज में मैं आता हूँ तो मुझे 1978 याद आता है जब इस कॉलेज के बीए फर्स्ट ईयर में मैंने जबरनिया एडमिशन लिया था। जबरनिया इसलिए एडमिशन लिया था कि उस समय मेरा डिबेट में नेशनल सिलेक्शन हुआ था और मैं इंटर्नशिप करने के लिए आयुर्वेदिक कॉलेज से पढ़ने के बाद सरदार पटेल अस्पताल में आया हुआ था। यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि अगर आप स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो आपको श्रीनगर जाने को नहीं मिलेगा। मैंने एडमिशन लिया इस कॉलेज में और यूपीएससी की तैयारी के निमित्त एडमिशन लिया और बहुत कम दिन रहा, 6-8 महीने पढ़ाऊँगा, लेकिन उस 6-8 महीने में मुझे इस कॉलेज की सुगंध ऐसी लगी कि एक कोई गुरुकुल का आश्रम है। आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक है समाज का निर्माता, समाज राष्ट्र का सेवक है राष्ट्र विश्व का एक अंग और विश्व ईश का दर्शन है। ऐसे महान पूज्य पर तो कुछ कहना ही बचकाना है, ये तो नादानी होगी ही दिनकर को दिया दिखाना है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि अवसर मिला बोलने का, अज्ञान तिमिर से निकल आज उन्नति के द्वार खोलने का। इको बंद कर दे पूरा, है ना, बेस बढ़ा दे, इको बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर दे, ठीक है। शादी हो गया नहीं तो क्या है, मतलब ये अच्छा है कि सीनियर आदमी ना माइक में बैठा है, नहीं तो अगर कोनो कम उम्र के टूरा ला माइक में बैठा देते ना तो मोला देखे कि के चक्कर लगाते। और क्या है, बिलासपुर के तो हर कोई एकदम खास है। मैं बिलासपुर खूब आए हूँ, मोर घर है, मोर ससुराल भी है। बिलासपुर के एक बात खास है कि यहाँ के आदमी एकदम झकास। बिलासपुर के एक बात खास है कि यहाँ का आदमी एकदम झकास है। सिगरेट हाथ में लेके माचिस मांगने वाला मैंने 1000 देखे हूँ,
फिर बिलासपुर में माचिस धर के सिगरेट मांगते। जबरदस्त आत्मविश्वास है एक स्थिति बिलासपुर के आदमी एकदम एकदम नोट के चिल्लर मांगने वाला मैं हजार देखे पर यहां चिल्लर के नोट मांगते। देखना चाहते आगू वाले के कितना औकात है एकर सेती बिलासपुर के आदमी एकदम। जेन टुरा मन टुरी के मोबाइल चार्ज कराते काबर खास है, जेन टुरा मन टुरी के मोबाइल चार्ज कराते वो टुरी हर दूसर संगठिया था। जबरदस्त आत्मविश्वास है एकर सेती बिलासपुर के आदमी एकदम एकदम झकास है। एक लड़का आई दूसरी क्लास में पढ़त रहा है क्लास टू में और हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल के पास आ गया, बोला 15 दिन के छुट्टी चाहिए। प्रिंसिपल बोली था क्लास टू में पढ़ता है हाई स्कूल काबर आ गए। अच्छा ठीक है चल। अब प्रिंसिपल ला मजा लेना रही से बोली चल मोर एक सवाल के जवाब दे मैं तो ला 15 दिन के छुट्टी दूँ। तो लड़का बोलिस पूछो बिलासपुर के लड़का पूछो पूछी के कोटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब बिलासपुर के लड़का के आईकॉन देखो कर आईक्यू देखो कितना डेवलप है वो किस की हो सकत है कोटप्पा बाहुबली से छुट्टी मांगे बर के हो और बाहुबली ना दिए हो। एकर सिटी बिलासपुर खास है काबर यहाँ के आदमी एकदम। यहाँ का है कोनो नवा टूरी बिहा हो के आत है शादी के 2-4 महीना बाद वो नींबू इमली खात है तो ये मत समझो कि उम्मीद में है। यूं हो सकत है कि रात के दारू ना उतरे हो। जबरदस्त आत्मविश्वास है एकर सेती बिलासपुर के आदमी एकदम। यहाँ के सास घरों बहुत तेज वो अपन बेटा नातिन खिलात रहा है ओकर हाथ ले बिछल गए। बहु कॉन्वेंट के पढ़े हुए भड़क गए एकदम डोंट टच माई चाइल्ड कल से मेरे बेटे को मत छूना। अब बिलासपुर के सास के ताकत देखो वो चीज हाउ बहु मैं तोर बेटल नहीं छुओ ते मोर बेटल झन छूए। ये आत्मविश्वास है एकर से ती बिलासपुर के आदमी एकदम झकास है। और बिलासपुर एकर से ती महान है ये बिलासा के नगरी है। ये इस कॉलेज पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी रामनारायण शुक्ला जी रमाकांत मिश्रा जी ये त्रिवेणी के संगम है। और ये कॉलेज हर न जाने कितना बहुत जन तो मोरे जान पहचान के डॉक्टर प्रदीप नारायण तिवारी जिन यहाँ प्रोफेसर रही ने डीआईजी आईजी काका होके रिटायर हुई उन मोला पढ़ाए रही है। सुबोध शर्मा उन मोला पढ़ाए रही है। बाकी बिहार जी शुक्ला जी आजकल अब थोड़ा नॉर्मल अस्वस्थ है तेकर सेती मैं उन बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। काय छत दरो दीवार से कोई घर घर नहीं होता अरे जिस घर में ये बुजुर्ग नहीं होते वो घर कभी घर नहीं होता। बुजुर्गों का सम्मान करिए बुजुर्गों का सम्मान करिए तब आप ये जो बेटी हैं मात्र शक्तियाँ बेटियाँ जो हिंदुस्तान का कल है बेटी से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं होती मंच पे भी है। ये जिंदगी के कितने किरदारों को जीती है बेटी बहन होती है प्रेमिका होती है पत्नी होती है माँ होती है सास होती है लेकिन होती है बेटी। फली फूली टहनियाँ जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं अरे बेटियाँ कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती बेटियाँ कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं उन्हें आभास होता है। और बेटी सास समुंदर पार अमेरिका में हो और माँ बिलासपुर में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है। ये बेटी की ताकत है बेटी से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। एकर मतलब ये नहीं है कि बेटा मन को पूरा बुहा का है उकरो मन के रोल है भाई। रात के 11 बजे नींबू अदरक लाना है तो बेटी नहीं ला सके बेटे लानी ही और जिंदगी भर वो नींबू अदरक के लात रही थे। पानी गिरत रहा है भादों के महीना एकदम भी।